केदार कांठा उत्तराखंड में विंटर का सबसे पॉपुलर ट्रैक। केदार कांठा फेमस है अपने मनोरम सनराइज और यहां से दिखने वाले महाकाय हिमालयन रेंजेस जैसे स्वर्गारोहणी, गंगोत्री, बंदर पूंछ और काला नाग आदि के अद्भुत दृश्यों के लिए। महादेव के जटाओं से जुड़े अनोखे जुड़ा का तालाब की खूबसूरती से गुजरना, मुरली वाले बाबा के ढाबे पर बैठ मधुर बांसुरी सुनना और रात के 2 बजे घने अंधेरे और कड़क ठंड में केदार कांठा बेस कैंप से समिट के लिए निकलना। एडवेंचर और आध्यात्म का एक अनोखा संगम होने वाला था यह ट्रैक। केदार कांठा ट्रैक के लिए मैं सुबह 7 बजे रेडी थी। पहले दिन मैं देर रात को सांकरी पहुंची थी, जो कि उत्तरकाशी जिले का एक छोटा सा गांव है और यहीं से शुरू होता है केदार कांठा ट्रैक। केदार कांठा ट्रैक एक बार फिर से मैं रफ्तार एडवेंचर के साथ कर रही थी। मैंने पहले इनके साथ ब्रह्मताल का ट्रैक किया था, उसमें मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं एक और ट्रैक इनके साथ करूँगी। सुबह 8 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर अब समय था केदार कांठा ट्रैक स्टार्ट करने का। मैं हूं अभी सांकरी में और यहीं से स्टार्ट होता है मेरा केदार कांठा का ट्रैक, तो चलिए चलते हैं। आज हमें यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करके केदार कांठा बेस कैंप पहुँचना था और फिर अगले दिन वहाँ से केदार कांठा सबमिट करना था। हमारे साथ आज गाइड थे रफ्तार एडवेंचर की टीम के पवार भैया, जो कि यमुनोत्री के रहने वाले हैं। केदार कांठा की चढ़ाई सांकरी से ही स्टार्ट हो जाती है। सड़क से आधा किलोमीटर दूर जाने के बाद ही जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है और अब आपको सामने अच्छे व्यूज दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। दूर सामने आपको स्वर्गारोहणी श्रृंखला दिखती है, जिसे कि मैं केदार कांठा समिट पर पहुंच कर ठीक सामने देखने वाली थी। लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है सांकरी से और ये 1 किलोमीटर का ट्रैक चढ़ाई वाला ही है और यहाँ पे जो है पहला ढाबा मुझे दिखा है, अभी खुला नहीं है, धीरे धीरे जो है ये भी ओपन हो जाएगा। ये रहा पहला ढाबा। एक 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के ट्रैक करने के बाद अब आता है इस ट्रैक का पहला बड़ा ढाबा, जिसे कहते हैं चाचा का ढाबा। इस जगह को कोसला कहते हैं। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और मैंने अपना पहला ब्रेक ले लिया है। यहाँ से जो है थोड़ा गर्म पानी ले जाऊँगी साथ में, थोड़ा कुछ खाने पीने का पैक करूँगी और फिर कंटिन्यू करेंगे केदार कांठा का ट्रैक।
अब कुछ छोटी मोटी नदी की धाराओं को पार करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी बर्फ गिरी दिखने लगती है। यहाँ से आगे का रास्ता अब काफी खूबसूरत है। सांकरी से निकल घने जंगल से होते 2 किलोमीटर बाद अब आप पहुंचते हैं इस ट्रैक के अगले पड़ाव पर, जिसे कहते हैं बांसुरी वाले बाबा का ढाबा। यह ढाबा चलाने वाले विजय पाल जी आने वाले ट्रैकर्स को अपनी बांसुरी की धुन सुनाकर चाय पानी पिलाते हैं। यहाँ पर थोड़ा रेस्ट के बाद अब मैंने ट्रैक कंटिन्यू कर दिया। अब हल्की धूप भी मिलने लगी थी। सांकरी से निकलने के 3 किलोमीटर बाद इस ट्रैक पर अब पहले टेंट्स दिखने लगते हैं। ऐसे खूबसूरत व्यूज के बीच टेंट्स में स्टे करना भी एक अनोखा एडवेंचर होता है। देवदार, चीड़, बुरांस आदि के वृक्षों के बीच दूर हल्की हल्की बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटियों को देखते अब आप पहुंचते हैं एक दूसरे कैंप साइट पर, जिसे जूड़ा का तालाब का कैंप साइट कहते हैं। अभी केदारकांठा का पीक सीजन स्टार्ट नहीं हुआ था तो यह पूरा कैंप साइट सूना ही पड़ा था। जूड़ा का तालाब का यह पहला कैंप साइट तालाब से 300-400 मीटर नीचे की तरफ है। जब आप केदारकांठा के ट्रैक पर आते हैं तो आपका पहला नाइट स्टे जूड़ा का तालाब कैंप साइट पर ही होता है और फिर नेक्स्ट डे आपको केदारकांठा बेस कैंप पहुंचना होता है। सांकरी से लगभग 4 किलोमीटर ट्रैक के बाद अब मैं पहुंच गई जूड़ा का तालाब के पास। एक तरफ बड़े मैदान और दूसरी तरफ जंगल से घिरा यह ताल सर्दियों में काफी खूबसूरत दिखता है। लगभग 4 किलोमीटर की कंटिन्यू खड़ी चढ़ाई के बाद पहुंच चुकी हूं मैं पहले मुख्य पड़ाव पर, जो है जूड़ा का तालाब। यहां के लोकल लोगों से एक छोटी सी कहानी सुनने को मिलती है जो कि इस ताल से जुड़ी है। कहते हैं कि यहां पर भगवान शिव ने अपने जूड़े यानी कि जटाओं से एक जटा निकालकर यहां पर फेंकी थी और उससे यहां पर एक ताल का निर्माण हुआ, जिसे जूड़ा का तालाब कहा गया। लगभग 9000 फीट की हाइट पर है ये जूड़ा का तालाब और ये जो आप ताल देख रहे हैं यही है जूड़ा का ताल। और अभी जो है इसका पानी बीच बीच में आप देखेंगे तो पूरा जम रखा है।
अभी जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी ये पूरी झील जो है बर्फ से जम जाती है। केदारकांठा ट्रैक में यह मुख्य पड़ावों में से एक है। तालाब के पास ही कुछ ट्रैकिंग कंपनियों के टेंट्स भी लगे होते हैं। यहाँ जगह कम होने के कारण काफी टेंट्स नीचे लगते हैं। मैंने यहाँ नाइट स्टे ना कर डायरेक्ट आज ही केदारकांठा बेस कैंप पहुंचने का डिसाइड किया। हम जोड़ा का तालाब पर एक घंटे बैठे रहे। दिसंबर लास्ट तक यह पूरी जगह बर्फ से ढक जाती है। एक बार फिर से हमने जोड़ा का तालाब से केदारकांठा बेस कैंप के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया। बेस कैंप से 2 किलोमीटर पहले आपको एक आखिरी ढाबा और मिल जाता है। यह पूरा ट्रैक चढ़ाई वाला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको जगह जगह रेस्ट करने के लिए स्टॉप्स मिल जाते हैं। अब यहां से आगे ज्यादातर ट्रैक में मुझे बर्फ मिल रही थी। बेस कैंप से आधा किलोमीटर पहले एक खास पॉइंट भी है जहां आपको नेटवर्क्स मिल जाते हैं। केदारकंठा बेस कैंप से लगभग आधा किलोमीटर पहले इस पॉइंट पर जो है आपको थोड़ा नेटवर्क के दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद सीधे आपको समिट में ही जो है नेटवर्क दिखते हैं। उसके अलावा आपको बेस कैंप में भी कोई नेटवर्क दिखाई नहीं देते हैं और फिर सीधे समिट में जो है नेटवर्क के दर्शन होते हैं। बेस कैंप का लास्ट आधा किलोमीटर का ट्रैक फ्लैट ही है। सुबह 8 बजे सांकरी से निकलने के बाद दिन में 2 बजे मैं केदारकांठा बेस कैंप पहुंच गई। यहां ठंड काफी थी और धूप भी नहीं थी। फाइनली पहुंच गई हूं मैं केदारकांठा के बेस कैंप में। इसकी अगर दूरी की बात करें तो इसकी दूरी जूड़ा का तालाब से लगभग 3 किलोमीटर है और ये जो पूरा रास्ता है लगभग पूरा ही जो है चढ़ाई वाला है। बेस कैंप के चारों तरफ बर्फ ही दिख रही थी और अब मैं अपने लंच का वेट करने लगी। चलो लंच आ चुका है, जरा देखते हैं लंच में क्या है। चावल और दाल। ये है काली मसूर की दाल। अब
अभी अपने कैंप साइट में बस हम ही थे, तो हमारे लिए गर्मा गर्म दाल चावल बनाए गए। इस पूरे ट्रैक पर हमें दिया गया खाना काफी अच्छा था। खाने के बाद मैं कैंप के आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने चली गई। यहाँ एक दो दिन पहले ही स्नोफॉल हुई थी, तो फ्रेश बर्फ में खेलने का मजा ही कुछ और था। हमारे कैंप सबसे हाइट पर थे, तो मैं नीचे पूरा कैंप साइट देख सकती थी। तो नीचे जहां मेरी नजर जा रही है, लग रहा है कि मिनी मार्केट एक खुल रहा है। रंग बिरंगे टेंट लगे हुए हैं और खाने पीने के जो है दो स्टॉल तो मुझे दिख रहे हैं और तीसरा जो है वहां तैयार हो रहा है। यहाँ पर लगभग हर ट्रैकिंग कंपनी अपने कैंप सेटअप करती है, क्योंकि यहाँ से आपको अगले दिन केदारकांठा समिट के लिए निकलना होता है। ये है हमारा किचन का टेंट जो थोड़ा येलो येलो आपको दिख रहा होगा ऊपर, और चलिए देखते हैं कि वहाँ क्या क्या स्नैक्स तैयार हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ किचन के टेंट की तरफ, क्योंकि वहां से कुछ खुशबू आ रही है। शाम को हमारी टीम ने चाय के साथ मैगी बनाई थी। यहाँ पर किचन में तीन लोगों की टीम थी, नितिन, राजन और उनके एक साथी। अंदर आ जाओ, अंदर बैठ जाओ। चाय पीते पीते बाहर आसमान पर हल्की लालिमा छा चुकी थी, इससे पूरा कैंप साइट बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। शाम को यहाँ ठंडी हवाएं चलने लगी। ठंडे मौसम में ताजे बर्फ पर इवनिंग वॉक का एक अलग ही मजा था। थोड़ी देर बाद नितिन और हमारे गाइड पवार भैया पासी से डिब्बों में पानी भरकर ले आए, और शाम को 5 बजे हमें गर्मा गर्म सूप पीने को दिया गया। ठंड में ही बाहर गर्मा गर्म सूप पीते हुए सनसेट के इतने सुंदर नजारे देखना। ऐसे ही खूबसूरत अनुभवों के लिए ट्रैकर्स दूर दूर से ये ट्रैक करने यहाँ आते हैं। रात को डिनर में रोटी, सब्जी, दाल, चावल और गुलाब जामुन बने थे। आठ बजे हम डिनर करके सो गए,
क्योंकि सुबह हमें 2 बजे उठकर समिट के लिए निकलना था। अगली सुबह 2 बजे उठकर हमने 2:30 बजे तक नाश्ता भी कर लिया। नाश्ते में दलिया और चाय बनी थी। हमारे अलावा हमें कुछ और ट्रैकर्स भी दिख रहे थे। बेस कैंप से 4 किलोमीटर का ट्रैक कर सुबह 5 बजे ही हम केदारकांठा समिट पहुंच गए। यहाँ का टेम्परेचर अभी -15 तक था और बर्फीली हवाएं भी चल रही थी और अब हम सनराइज का वेट करने लगे। सात बजे तक अब हल्का उजाला हो गया और धीरे धीरे पूरे आसमान में अब लालिमा छाने लगी थी। पक्षियों के चहचहाने की आवाज आने लगी थी। दूर दूर तक हम पहाड़ों की एक के बाद एक लेयर देख सकते थे। मेरे अब तक के ट्रैक्स में यह सबसे खूबसूरत सुबह थी। मेरे बाईं तरफ पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढके थे। दाईं तरफ अनंत पहाड़ों की श्रृंखलाएं दिख रही थी। और ठीक सामने सूर्योदय की झलक दिखने लगी थी। केदारकांठा के समिट पर पत्थरों का बना एक छोटा सा शिव मंदिर भी है जो टॉप पर एक किनारे पर बना हुआ है। यह देखने में काफी अद्भुत नजर आता है। केदारकांठा की एक और जो खास चीज है वह है यहाँ से दिखने वाले मैसिव हिमालयन रेंजेस। यहाँ से दिखाई देने वाले प्रोमिनेंट पीक्स में पहले है स्वर्गारोहणी रेंज। स्वर्गारोहणी श्रृंखला का संबंध पांडवों से माना जाता है। कहते हैं कि इसी को पांडवों ने स्वर्ग जाने का रास्ता बनाया, लेकिन कुछ अन्य कहानियों के अनुसार यह रास्ता बद्रीनाथ माणा से था। केदारकांठा से दिखाई देने वाली दूसरी पीक है फेमस बंदरपूंछ श्रृंखला। बंदरपूंछ श्रृंखला का संबंध महाबली हनुमान से माना जाता है। कहते हैं कि जब लंका में रावण ने भगवान हनुमान की पूंछ पर आग लगाई तो उन्होंने इसी पर्वत पर जाकर वह आग बुझाई थी और तब यह पर्वत बंदरपूंछ कहलाया। तीसरी पीक जो यहाँ से दिखाई देती है वह है काला नाग या ब्लैक पीक। काला नाग पीक बंदरपूंछ रेंज की सबसे ऊंची चोटी है।
इनके अलावा आप यहां से गंगोत्री रेंज, जॉलनी रेंज आदि भी देख सकते हैं। केदारकांठा समिट पर हम 2-3 घंटे रुके और वहां से चारों तरफ के व्यूज देखते रहे। अब वहां थोड़ा और ट्रैकर्स भी पहुंच चुके थे और अब हमने वहां से केदारकांठा बेस कैंप के लिए वापसी का सफर स्टार्ट कर दिया। जब हम यहाँ केदारकांठा समिट पहुंचे थे तब पूरा अंधेरा था, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचने के रास्ते के आसपास के नज़ारे नहीं देख पाए थे। अब जब यह देखा तो सब कुछ मैजिकल सा लगा। कई छोटी छोटी चोटियों के टॉप से होते हुए हम यहाँ पहुंचे थे। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। जैसे ही बर्फ पर हल्की हल्की धूप पड़ती, ये मोती के समान और चमकने लगती। मैं बीच बीच में रुककर कभी दूर हिमालयन रेंजेस को देखती तो कभी इस बर्फ में खेलने लगती। मन तो कर रहा था कि यही कुछ देर बैठकर आसपास एक टक निहारती रहूं, लेकिन हमें आज सांकरी तक का ट्रैक करना था, इसीलिए हम ट्रैक कंटिन्यू करते रहे। इस ट्रैक की डिफिकल्टी की बात करें तो सांकरी से समिट तक खड़ी चढ़ाई होने के कारण थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन एक बार जब आप समिट पर पहुंचते हैं तो पीछे की थकान भूलकर इन अद्भुत नज़ारों में खो जाते हैं। अब हम समिट से दूर 2 किलोमीटर नीचे एक ढाबे पर पहुंच चुके थे। बेस कैंप से समिट के बीच में आपको इस जगह 2-3 ढाबे मिल जाते हैं, जहां आप कुछ देर रेस्ट कर कुछ खा पी सकते हैं। हम यही इस ढाबे पर कुछ देर बैठकर आग सेकते हुए गप्पे मारने लगे। यहाँ से आपको केदारकांठा समिट और बाकी की आसपास की रेंजेस दिख जाती हैं। आधे घंटे इस ढाबे पर रेस्ट करने के बाद अब हम बेस कैंप की तरफ चल निकले।
ऊपर की तरफ अंधेरे में आते हुए यह रियलाइज नहीं हुआ कि ट्रैक पर कितनी बर्फ थी, लेकिन अब हम काफी फ्रेश बर्फ देख पा रहे थे। नीचे आते हुए भी आप गंगोत्री, जॉनली व स्वर्गारोहिणी की रेंजेस अच्छे से देख सकते हैं। सुबह 10 बजे के आसपास अब हम केदारकांठा के बेस कैंप पहुंच चुके थे। यहाँ से हम सांकरी के लिए ट्रैक की शुरुआत कर ही रहे थे कि हमें बताया गया कि लंच रेडी है, तो हम लंच करने के लिए वहीं बैठ गए। लंच में राजमा, चावल, रोटी और सब्जी बनी थी। सिर्फ 2 लोगों के लिए ही सुबह इतने आइटम्स बनाना रफ्तार एडवेंचर की टीम की डेडिकेशन और सर्विस लेवल डिफाइन करती है। लंच करने के बाद अब हम सांकरी की तरफ आने लगे। बढ़िया सा लंच कर लिया है और अब करते हैं सफर शुरू केदारकांठा पीक से वापसी का। अभी मैं बेस कैंप होते हुए सीधे सांकरी जा रही हूँ, जो कि लगभग 6-7 किलोमीटर का ट्रैक है। तो चलिए चलते हैं। अगर आप केदारकंठा ट्रैक के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए क्रैम्पॉन तो मस्ट है, क्योंकि पूरे रास्ते में बर्फ है और क्रैम्पॉन लगा के थोड़ा रास्ते में चलने में इजी हो जाता है। मेरे पास तो क्रैम्पॉन थे नहीं, लेकिन रफ्तार एडवेंचर की तरफ से जो है मुझे दे दिए गए थे। अगर आप क्रैम्पॉन, शूज, जैकेट या कुछ भी ट्रैकिंग गियर लेना चाहते हैं तो वो आप रफ्तार एडवेंचर से रेंट पर ले सकते हैं। उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अब मैं वापसी में फिर से पहुंच गई हूं जुड़ा का तालाब। लगभग 12 बजे अब हम जुड़ा का तालाब पहुंच गए। यहां अभी अच्छी धूप खिली हुई थी। यहाँ पर थोड़ा वीडियोस और फोटोज लेकर हम थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे और फिर हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। एक बजे तक हम बांसुरी वाले बाबा के ढाबे तक पहुँच चुके थे और यहीं हमने अपना टी ब्रेक लिया और थोड़ी देर मधुर बांसुरी सुनते रहे। और इसी के साथ आज का मेरा टोटल 15-16 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका था।
दिन में लगभग 2 बजे हम सांकरी पहुंच गए। सांकरी एक बड़ा गांव है जहां काफी होम स्टे और होटल्स बने हुए हैं। सांकरी पहुंचने के बाद अब मैं वापस अपने होटल चली गई और फिर अगले दिन वहां से वापस देहरादून आ गई। सांकरी